नमस्कार, बीकेपी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नौकरशाहों को मंत्री जो कुछ भी कहते हैं उसे तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि सरकार मंत्रियों के अनुसार ही काम करती है। तो शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार में कुछ मंत्रियों और महिलाओं की गैरहाजिरी से सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीएम शिंदे ने राठौर को कैबिनेट विस्तार का मौका देकर न सिर्फ उद्धव ठाकरे को विधायकों या मंत्रियों को मैनेज करने का तरीका दिखाया है, बल्कि उन्होंने अपनी बात सच कर अन्य विधायकों का दिल जीतने की कोशिश की है। तो उधर शिंदे सरकार ने 9 मराठा मंत्री बनाकर मराठा समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। राज्य में मराठों की आबादी करीब 33% है। इसी बीच आखिरकार 90 साल की महिला को इंसाफ मिल गया। मुंबई की सत्र अदालत ने उक्त महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बेटे और बहू को फ्लैट खाली कराने का आदेश दिया है। प्रदेश के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नौकरशाहों की जमकर क्लास लगाई और एक ऐसी नसीहत दे डाली जिसे इसके पहले कभी उनके मुंह से नहीं सुना गया। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा, नौकरशाहों को मंत्री जो कुछ भी कहते हैं उसे तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि सरकार मंत्रियों के अनुसार ही काम करती है। हालांकि इस दौरान वह आम जनता के ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अधिकारियों से कहता हूं कि सरकार आपके कहने से अनुसार काम नहीं करेगी, आपको केवल यस सर कहना है, हम जो कह रहे हैं उसे आपको लागू करना होगा, सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भी महात्मा गांधी का हवाला दिया और कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए कोई कानून आड़े नहीं आता। मैं भी जनता हूँ कि गरीबों के कल्याण में कोई भी कानून आड़े नहीं आता। अगर ऐसा कानून को 10 बार भी तोड़ना है तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। केंद्रीय मंत्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा, 1995 में गढ़चिरौली और मेलघाट में कुपोषण के कारण हजारों आदिवासी बच्चों की मौत हो गई थी, क्योंकि गाँव में सड़कें नहीं थी और वन कानून सड़कों के विकास के रास्ते में आ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में सुधार जरूरी है। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शिंदे और उनकी सरकार की आलोचना भी हो रही है। कुछ मंत्रियों और महिलाओं की गैर हाजिरी से सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने 19वें मंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कोंकण से 2 मंत्री है, मैं और उदय सामंत, इसलिए मुझे लगता है कि दूसरे चरण में भरत गोगावले को मौका मिलेगा। मुझे भी काफी दुख हुआ कि उनका नाम नई लिस्ट में नहीं था। कैबिनेट में सीट नियुक्त करना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अधिकार है। केसरकर ने कहा कि अगर एक सीट बढ़ा दी गई होती तो आज एडजस्ट हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून सत्र के बाद सितंबर में मंत्रिमंडल का और विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार में शिंदे गुट के संजय सिरसाट, बच्चू कड़ू, राजेंद्र यद्रावकर को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, इसलिए शिंदे गुट में नाराजगी की बात कही जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि संजय सिरसाट और एकनाथ शिंदे के बीच लड़ाई की खबरें आई थी, लिहाजा विपक्ष ने संजय राठौड़ और अब्दुल सत्तार को मंत्री बनाए जाने की आलोचना शुरू कर दी है। लेकिन दीपक केसरकर ने कहा कि विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है। अगला कैबिनेट विस्तार मानसून सत्र के बाद सितंबर में होगा। ऐसा लग रहा है कि भरत गोगावले को मंत्री पद मिल जाएगा। एक युवती की आत्महत्या के मामले में तत्कालीन वन मंत्री संजय राठौड़ पर आरोप लगने से तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परेशान हो गए थे। राठौड़ के इस्तीफे के लिए विपक्ष के दबाव के साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी उनके इस्तीफे पर जोर दिया। ऐसे समय में एकनाथ शिंदे ने राठौड़ के पक्ष में मजबूती से खड़े होते हुए उद्धव ठाकरे से उनका इस्तीफा स्वीकार न करने के लिए जोर आग्रह किया। शिंदे का कहना था कि राठौड़ के पीछे एक बड़ा बंजारा समुदाय है, विपक्ष के आगे झुकने के बजाय हमें अपने मंत्री के पीछे मजबूती से खड़ा होना चाहिए। शिवसेना के कुछ नेताओं ने हालांकि शिंदे की जीत को तोड़ा और उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाया। इन नेताओं ने सोचा कि अगर शिंदे राठौड़ को बचाने में कामयाब हो गए तो उनके पीछे खड़े विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। शिंदे को समझ दिया गया कि राठौड़ का इस्तीफा केवल रखा जाएगा, राज्यपाल को नहीं सौंपा जाएगा। हालांकि बाद में राठौड़ का इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया गया। इस घटना के बाद एकनाथ शिंदे ने एक बैठक में कहा था कि पार्टी प्रमुख ने मुझे धोखा दिया है। उस बैठक में शामिल अधिकांश विधायकों ने उनका समर्थन करते हुए कहा था कि हम आपके साथ हैं। इसलिए शिंदे ने राठौड़ को कैबिनेट विस्तार का मौका देकर न सिर्फ उद्धव ठाकरे को विधायकों या मंत्रियों को मैनेज करने का तरीका दिखाया, बल्कि उन्होंने अपनी बात सच कर अन्य विधायकों का दिल जीतने की कोशिश की है।
महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कई साल से मराठा और ओबीसी आरक्षण की आंच में तप रही है। मराठा आरक्षण का मामला लंबे समय से अधर में है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर राजघराने के युवराज संभाजी राजे छत्रपति मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने अपने संगठन सुराज्य के राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में नई सरकार के लिए आने वाले दिनों में मराठा आरक्षण आंदोलन एक नई चुनौती के रूप में सामने आने वाला है। यही वजह है कि नई सरकार ने 9 मराठा मंत्री बनाकर मराठा समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। राज्य में मराठाओं की आबादी करीब 33% है। अगर ओबीसी समाज की बात करें तो महाराष्ट्र में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में यह आग ठंडी पड़ी है, लेकिन पूरी तरह से बुझी नहीं है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में ओबीसी की आबादी मराठों जितनी यानी 33% ही है। इसलिए मंत्रिमंडल में 3 ओबीसी मंत्रियों को भी मौका दिया गया है। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर 2 वैश्य समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। हालांकि इस विस्तार को लेकर दबी जुबान में कुछ प्रतिक्रिया भी आ रही है। आखिरकार 90 साल की महिला को इंसाफ मिल ही गया। मुंबई की सत्र अदालत में मैजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बेटे और बहू को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया। महिला ने बेटे और बहू पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। बेटे और बहू की उम्र लगभग 60 वर्ष है। सत्र न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि फ्लैट नंबर 501 में आवेदक ने अपना पूरा जीवन अपने पति और बच्चों के साथ बिताया है। उस घर से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है और ऐसी परिस्थितियों में उसे उसके घर दूर नहीं किया जा सकता। बुजुर्ग महिला ने बताया कि पति की 2000 में मृत्यु हो गई थी और उसके पास फ्लैट का 50% हिस्सा था। उनके अनुसार मृत्यु के बाद उनके बेटे और उनकी पत्नी का व्यवहार बदल गया। दंपति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि शारीरिक हिंसा के बाद उसे 4 पुलिस शिकायतें दर्ज करनी पड़ी। महिला के मुताबिक उसका बेटा शराबी है। 2010 में वह कथित तौर पर एक दिन नशे में घर आया, उसके कमरे का दरवाजा तोड़ दिया, उसे गर्दन से पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने उसके नाम पर संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किया तो उसका गला घोंट देगा। उसने कहा कि वह अपने ही घर में घुसने से डरने लगी। 2021 में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें राहत दी। फिर बेटे और बहू ने अप्रैल में सेशन कोर्ट का दरवाजा खटकाया था। तमाम मुद्दों पर गौर करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। राजग से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा से महाराष्ट्र में फिर से सत्ता हासिल करने की खुशी छीन ली है। साथ ही भगवा पार्टी को बिहार में एक विकट चुनौती दी है। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना संक्रमित हो गई है। ये दूसरा मौका है जब प्रियंका गांधी कोरोना से पीड़ित हो गई है। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। हालांकि इस बार राहुल के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस नेताओं के विचार जुदा नजर आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन लगता है कि सरकार अब आगे कोई कमीशन गठित करने के मूड में नहीं है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजग से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा से महाराष्ट्र में फिर से सत्ता हासिल करने की खुशी छीन ली है। साथ ही भगवा पार्टी को बिहार में एक विकट चुनौती दी है। नीतीश कुमार की नाराजगी को भांपते हुए भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनकी आहत भावना को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि भगवा पार्टी को भी मालूम है कि 2024 में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा नेतृत्व में नीतीश कुमार को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 2 बार पटना भेजा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम बने रहेंगे। याद रहे 2015 के विधानसभा चुनावों में राजद जदयू गठबंधन के हाथों बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। राजद के पास मुसलमानों और यादवों पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। नीतीश कुमार के पास कुर्मियों और कुशवाहाओं का समर्थन माना जाता है। इसी के साथ साथ अधिकांश पिछड़ी जातियों के बीच भी उनकी लोकप्रियता है। ये समीकरण भाजपा की मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। भाजपा इस चुनौती को पहचानती है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि अब से 2 साल बाद क्या होने वाला है, लेकिन 2024 निश्चित रूप से 2015 जैसा नहीं होगा। फिलहाल नीतीश कुमार के कदम ने भाजपा को बिहार विधानसभा में एकमात्र विपक्षी दल के रूप में छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी।
इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। अधिकारी के इस बयान की चर्चा के राज्य में कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अधिकारी ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहा कि दिसंबर तक ममता सरकार गिर जाएगी। अधिकारी ने कहा कि कुछ महीने रुकिए और इस साल दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में यह सत्ता में नहीं होगी। विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनाव 2024 में एक साथ होंगे। हालांकि उनके इस दावे के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जवाब भी सामने आया है। तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर ने कहा है कि भाजपा राज्य सरकार को गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा ही नहीं रहेगी। अधिकारी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा राज्य सरकार पर आक्रामक है। शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर टीएमसी के 100 नेताओं की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अधिकारी बार बार दावा कर रहा है कि झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसे हालात होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना संक्रमित हो गई है। ये दूसरा मौका है जब प्रियंका गांधी कोरोना से पीड़ित हो गई है। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर खुद के कोरोना वायरस संक्रमित होने की जानकारी दी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हूं, घर पर ही आइसोलेशन में हूं और पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इससे पहले जून में भी प्रियंका गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी, तब भी प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। प्रियंका गांधी ने बताया था कि उनमें कोरोना के मामूली लक्षण पाए गए हैं, तब भी प्रियंका गांधी ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया था। राहुल गांधी की भी तबीयत कुछ खराब है और इसके चलते उन्होंने राजस्थान के अलवर का दौरा रद्द कर दिया है। राहुल गांधी आज अलवर में कांग्रेस के नेतृत्व संकल्प शिविर में हिस्सा लेने वाले थे। कांग्रेस की ओर से सभी राज्यों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि पार्टी में नया नेतृत्व विकसित किया जा सके और पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जा सके। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पार्टी इस राज्य में खास तौर पर एक्टिव है। बता दें कि कांग्रेस का मई में आयोजित चिंतन शिविर भी राजस्थान के ही उदयपुर में हुआ था। इसमें ये फैसला लिया गया था कि इसी साल सितंबर तक अध्यक्ष का चुनाव होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। हालांकि इस बार राहुल के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस नेताओं के विचार जुदा नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी खुद भी कमान संभालने को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कर रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों समेत पार्टी के कई नेता भी भरोसे के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि राहुल दोबारा अध्यक्ष पद हासिल कर लेंगे। उन्होंने साल 2019 में चीफ के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। चर्चा ये भी है कि अगर गांधी नहीं तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा। एक पदाधिकारी ने बताया कि मैं नहीं कह सकता, केवल राहुल ही बता सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या है। जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बात है, नेतृत्व अपने शेड्यूल पर बना हुआ है। लॉजिस्टिक कारणों के चलते इसे ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने निजी तौर पर सोनिया गांधी से अध्यक्ष पदभार संभालने का वादा करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई वादा नहीं मिला है। अगर वो दोबारा अध्यक्ष बनने से इनकार करते हैं तो कांग्रेस हलकों में समझौते के उम्मीदवार के तौर पर मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के नाम भी अटकले हैं। खबर है कि कांग्रेस के लगभग सभी नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटियां गांधी वाड्रा से अध्यक्ष पद लेने की अपील करने के लिए तैयार रहेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन लगता है कि सरकार अब आगे कोई कमीशन गठित करने के मूड में नहीं है। सरकार साफ कर चुकी है कि एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यानी एक तरह से वेतन आयोग के दिन अब लग चुके हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। इसके लिए फॉर्मूला के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग यानी पे कमीशन का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। अब तक 7 बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में संसद में कहा कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा।
इन सब चीजों के आकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक करीबी सहयोगी को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नेपाल ने भारतीय पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। जांच में कुछ भारतीयों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद नेपाल ने ये कदम उठाया है। वही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर बैन लगा दिया है, लेकिन तालिबान राज के अंदर सीक्रेट स्कूल चल रहे हैं जहां लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। तो उधर चीन में एक और नए वायरस का पता चला है। ताइवान के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक इस नए वायरस का नाम जूनोटिक लेंगिया रखा गया है। इसी बीच ब्रिटेन में टोरी का कमान कौन संभालेगा, ये आने वाले 5 सितंबर को लोगों को मालूम चल जाएगा। फिलहाल लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच कांटे की टक्कर जारी है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक करीबी सहयोगी को कल गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक निजी टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कथित रूप से राजद्रोह संबंधी बयान देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले चैनल के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ सरकार की तीखी आलोचना की थी। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने चैनल पर प्रसारित सामग्री को झूठा, नफरत फैलाने वाला और राजद्रोह बताते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्राधिकरण ने कहा कि साक्षात्कार पूरी तरह भ्रामक सूचना के साथ सशस्त्र बलों में विद्रोह को उकसाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खतरा पैदा किया गया। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने गिल की गिरफ्तारी को अगवा करने की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि यह अपहरण है, गिरफ्तारी नहीं। स्थानीय मीडिया को रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि ब्रिटेन के चैरिटी आयोग और राष्ट्रीय अपराध एजेंसी को शिकायतें मिलने के बाद ब्रिटिश एजेंसियों ने पाकिस्तानी चैरिटी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दोनों संस्थाएं मामले की जांच कर रहे हैं। आरोप है कि धर्मार्थ संगठनों के नाम पर इकट्ठे किए गए धन को पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया था। नेपाल भारत से लगा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान कोरोना के कारण ये संख्या काफी कम हो गई थी। पर्यटन बहाल हुआ तो ये प्रमुख हिमालयी देश पर्यटकों से गुलजार होने लगा था, लेकिन अब नेपाल ने भारतीय पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। जांच में कुछ भारतीयों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद नेपाल ने यह कदम उठाया है। 4 भारतीय पर्यटकों में घातक कोविड-19 संक्रमण पाए जाने के बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया है। चारों पर्यटक पश्चिमी नेपाल के 42 जिले में झुलाघाट सीमा बिंदु के माध्यम से नेपाल में दाखिल हुए थे। 42 में स्वास्थ्य कार्यालय के सूचना के अधिकारी विपिन लेखक ने बताया कि 4 भारतीय नागरिक संक्रमित पाए गए हैं, उन्हें स्वदेश वापस जाने के लिए कहा गया। साथ ही हमने भारतीयों के लिए कोविड-19 जांच को भी तेज कर दिया है। भारत से आए कई नेपाली नागरिक भी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 42 जिले में कोरोना वायरस का जोखिम बहुत है, क्योंकि इसकी सीमाएं भारत के साथ लगती है। जिले में अभी 31 मामले उपचाराधीन हैं। मंगलवार को अद्यतन किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,41,74,650 हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर बैन लगा दिया है, लेकिन तालिबान राज के अंदर सीक्रेट स्कूल चल रहे हैं जहां लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। ये सीक्रेट स्कूल अफगानिस्तान के किस हिस्से में चलता है, वो जगह लड़कियों की सुरक्षा और उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रहे इसलिए अज्ञात रखा गया है। ये स्कूल सामान्य घरों में खुले हैं और उनके बारे में तालिबान को शायद ही खबर लग पाए। सीक्रेट स्कूल जाने के लिए इन लड़कियों को काफी संघर्ष करना पड़ता है और हर दिन पकड़े जाने का डर रहता है। स्कूल जाने के लिए वो उन रास्तों का इस्तेमाल नहीं करती है जो पश्तून बहुल है, और हर दिन वो रास्ता बदल लेती है। स्कूल जाने के लिए वो कई घंटे पहले निकलती है और बचत बचाते हुए स्कूल पहुंचती है और बचते बचाते हुए स्कूल पहुंचती है। अगर तालिबान का कोई लड़का पूछता है तो लड़कियों का कहना होता है कि उन्होंने एक सिलाई कार्यशाला में दाखिला लिया है। वो अपनी स्कूली किताबों को शॉपिंग बैग में या फिर अपने अबाया में या फिर बुर्का के अंदर छिपा कर रखती है। ये लड़कियाँ पढ़ाई करने के लिए ना सिर्फ जोखिम उठाती है बल्कि बलिदान भी देती है। बता दें कि 1 साल पहले सत्ता पर कब्जा करने के बाद से तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं पर इस्लाम के अपने कठोर आदेश का पालन करने के लिए कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। तालिबान ने लड़कियों की सार्वजनिक जीवन पर पाबंदी लगा दी है। चीन में एक और नए वायरस का पता चला है। ताइवान की सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक इस नए वायरस का नाम जूनोटिक लेंग्या रखा गया है।
इससे अब तक 35 लोगों के संक्रमित होने की बात कही जा रही है। इन 35 रोगियों का एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं मिला है। इस वायरस की पहचान और प्रसार की निगरानी के लिए न्यूक्लिक एसिड परीक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेंग्या वायरस चीन के शेडों और हेनान प्रांत में पाया गया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। हालांकि अभी तक इस वायरस के इंसानों से इंसानों में संचरण के संकेत नहीं मिले हैं। अभी ये जांच की जा रही है कि इस वायरस के मनुष्यों के बीच प्रसार की कितनी संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2% बकरिया और 5% कुत्तों में लेंग्या वायरस की पुष्टि हुई है। 25 जंगली जानवरों की प्रजातियों पर हुए परीक्षण के नतीजे बताते हैं कि छुछुंदर इस वायरस को फैलाने का प्रमुख वायरस हो सकता है। लेंग्या वायरस के मरीजों में बुखार, थकान, खांसी, भूख न लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और उल्टी जैसे लक्षण मिले हैं। मरीजों में श्वेत रक्त कोशिकाओं में भी कमी देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में नए हेनिपा वायरस की पहचान की गई है, जो इंसानों में बुखार संबंधी बीमारी की वजह है। ब्रिटेन में टोरी का कमान कौन संभालेगा, ये आने वाले 5 सितंबर को लोगों को मालूम चल जाएगा। अभी फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी के दो कद्दावर नेता लीज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच कांटे की टक्कर जारी है। दूसरे चरण में कंजर्वेटिव पार्टी के 1.8 लाख सदस्य पोस्टल वोट के जरिए इन उम्मीदवारों में एक को अपना नेता चुनेंगे। दोनों उम्मीदवारों में जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी का नेता और अगला पीएम बनेगा। हालांकि तमाम सर्वे में ऋषि सुनक पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सर्वे में करीब 60% लोगों ने ब्रिटेन के नए पीएम के तौर पर लीज ट्रस को अपनी पसंद बताया है, जबकि ऋषि सुनक के पक्ष में सिर्फ 26% वोट पड़े। वैसे ऋषि सुनक कोरोना लॉकडाउन के समय से काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं। उनकी श्रमिकों को लेकर नीतियों की चर्चा सभी लोग करते हैं। वे काफी उदार व्यक्ति भी माने जाते हैं, इसीलिए लंदन में लाखों लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद पीएम चुनने के वक्त लोग लीज ट्रस को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बता रहे हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि लोग जीवन यापन की लागत, एनएचएस, शरण, आवास और रक्षा जैसे मुख्य मुद्दों पर बड़े अंतर से लीज ट्रस को पसंद करते हैं। कई लोग ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के पीएम पद से इस्तीफा की वजह ऋषि सुनक को मानते हैं। उन्हें लगता है कि सुनक ने पीठ पीछे छुरा खोपा है। बहरहाल सुनक की जीत के लिए कई जगहों पर हवन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।